की स्टूडेंट अभिनंदन निकेतन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपका प्रीवियस चैप्टर था बस आज लास्ट उसका टॉपिक है स्टोरेज, ये आपको रीड करवा रही हूँ। सबसे पहले अपन ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या लिस्ट होती है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, इस सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए ये प्रोसेस अपन टीलिंग या प्लानिंग के द्वारा की जाती है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में प्लग, हल के बारे में अपन जानते हैं, हो ये नया इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद कल्टीवेटर, कल्टीवेटर किसके द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद सोविंग, सोविंग यानी जो भी अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं उसको अपन बोते हैं, इसके लिए ट्रेडिशनल टूल्स का उपयोग किया जाता है। एक फलल जैसी कुछ चीज रहती है उसको हल चलाते हुए बो देते हैं, लेकिन एक जो अच्छी मेथड है वो है सीड ड्रिल। इसके बाद मैन्यूअल फर्टिलाइजर को डाला जाता है। मैन्यूअल फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, फर्टिलाइजर एक मेन में इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और मैन्यूअल एक नेचर सब्सटेंस है, जिससे अपन किससे मिलता अपने को केटल डन प्लांट के प्लांट के रिड्यूस हो जाते हैं उससे मिलता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है, मैन्यूअल फील्ड में बनता है। फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को, लेकिन मैन्यूअल से ह्यूमस मिल जाता है। फर्टिलाइजर में जो प्लांट न्यूट्रिएंट में से नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK ज़्यादा मिलते हैं और मैन्यूअल में प्लांट न्यूट्रिएंट कम मिलते हैं। एडवांटेज क्या क्या है मैन्यूअल के, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, ये सॉइल को पोरस बनाते हैं, थोड़ी सी नमी बनाते हैं, ये क्या करते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर बढ़ाते हैं। इरीगेशन, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इरीगेशन आ जाएगा। इरीगेशन क्या होता है, वाटर सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीजें रहती है, वाटर से न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एवरी पार्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। और सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप को अपन इरीगेशन कहते हैं। इरीगेशन के दो दो मेथड होती है, मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आ जाएगा, मोट आ जाएगा, पूरी सिस्टम आ जाएगा, चेन पंप आ जाएगा, ढेकली आ जाएगा, राहत आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है अपने ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप सिस्टम आएगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो जाएगा, सीधे जो पैरेलल पाइप पूरे इसमें जोड़ दिया जाता है क्रॉप में और वहाँ से पानी इसमें दिया जाता है मोटर के थ्रू, और ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी डायरेक्ट भूमि को पहुँचाया जाता है। इसके बाद बीट के बारे में पढ़ा था, बीट के लिए अनडिविजिबल प्लांट को अपन बीट कहते हैं, बीट को सीधे ऊपर से कटिंग कर देते हैं या रूट के थ्रू निकाल देते हैं। इसके बाद बीट को कंट्रोल किससे करते हैं, वीडिसाइड्स के द्वारा भी कंट्रोल करते हैं, ये बहुत स्प्रे किया जाता है, ये बहुत हार्मफुल रहते हैं, इसलिए अपना माउथ कवर करके इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हार्वेस्टिंग पड़ा था, हार्वेस्टिंग खुरपी के द्वारा की जाती है, ठीक है, या कंबाइन के द्वारा की जाती है। थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें अपन इसको ग्रेन के सीड्स को इससे अलग करते कॉक से या भूसे से अलग किया जाता है या विनोइंग मशीन के द्वारा किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे अपन स्टोरेज, स्टोरेज कैसे करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, स्टोरेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को रखना है लंबे समय तक तो ये जरूरी होना चाहिए कि वो मॉइस्चर उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहे, मॉइस्चर इंसेक्ट एंड ग्रेन और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को बचाना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो हार्वेस्टेड ग्रेन, जो ग्रेन बनती है, ग्रेन की सीड बनती है, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो इसको अपन ड्राइंग करें बिगर इसका स्टोरेज कर देंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म्स को अटैक कर देंगे,
और जो ग्रेन है उसको क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, ठीक है। इसलिए ग्रेन को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है सन में, जो सूरज की रोशनी में इसको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, उसके बाद इसका स्टोरेज किया जाता है। अब ये देखो स्टोरेज ऑफ ग्रेन गनी बैग्स इन ग्रेन, फार्मर जो लेते हैं, किसान जो लेते हैं, इसको स्टोर किसमें करते हैं, जूट बैग में। तो आपने देखा ना बोरा आता है जूट का रहता है, ठीक है, उसमें या मेटलिक बीन में या फिर लोहे के, इसमें क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन डनिंग सोयलेस एंड ग्रेनियस इज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक एन इंसेक्ट। ये किससे होता है, ये जो ग्रेन स्टोरेज किए जाते हैं, ये ग्रेन स्टोरेज किए जाते हैं ग्रेनरीज। ये देखो आप इस तरीके के जो ये आपके बैग है, इसमें ये सारी चीजें क्या की जाती है, स्टोर की जाती है, ताकि क्या हो, मेटेलिक बीन में रखो या तो फिर इसको लोहे के इसमें रखो या फिर जूट के बैग में रखो, ठीक है। फिगर 1.1 और फिगर 1.2 सॉरी ए और बी, ए और बी में देखो इसको स्टोरेज करो, इसमें करो या फिर ये लोहे के बीन्स में स्टोरेज करो। अगर ये जूट के इसमें स्टोरेज होंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं देगा, फ्रेश कीट्स भी नहीं रहेंगी, सब चीज़ें नहीं होंगी और अपना जो ग्रेन है वो कभी ख़राब नहीं होगा। ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। अपन जो घर में जब गेहूँ लाते हैं तो उसको किस तरीके से अपन स्टोर करते हैं, उसमें सूखी नीम की पत्ती डालते हैं, मॉइस्चर वाले नहीं डालते, सूखी नीम की पत्ती डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, और इसके लिए लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसे बड़े बड़े गोडाउन में क्या करते रखते हैं, और इसके बाद स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दे जाते हैं। इसमें कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा वाला ट्रीटमेंट देते हैं कि केमिकल का, जिससे वो करते हैं छिड़काव करते हैं ताकि ये ग्रेन्स खराब नहीं हो जाए, इससे प्रोटेक्ट रहे पेस्ट से, बारीक बारीक माइक्रोऑर्गेनिज्म गेहूं में फूफू लग जाते हैं उससे ये बचे रहे। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक द कंप्लीटली, मतलब ये सब टेबल बनाना आपको कि कौन कौन से फूड और कौन कौन से सोर्सेस लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव दिन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। प्लांट और एनिमल जो रहते हैं अपने को बहुत सारे तरीके के फूड देते हैं। इसमें जो कोस्टल एरिया के जो बहुत सारे पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो डाइट रहता है वो किस पे रहता है, फिश पे ज़्यादातर। कौन सा सोर्सेस खाते हैं, एनिमल सोर्सेस खाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर फूड देते हैं, सैलर देते हैं, केयर देते हैं, डिसीजन है लार्ज स्केल, और वो जो जिसमें अपन बड़े पैमाने पर, ये तो हो गया ग्रेन का स्टोरेज करना, और वो चीज़ जिसमें बड़े पैमाने पर हम एनिमल को पालते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें स्टोरेज का भी बता दिया है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जिसमें हम एनिमल को बड़े पैमाने पे उसको पालते हैं, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप